मसीह में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद की खादमा सारा सारा एस पी डेनियल आपकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ। और आज मेरे मैसेज का अनुमान है खुदा की मानद बनो, और इसके लिए हम देखेंगे इफिसियों 5 बाब उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, बस अजीज फरजंदों की तरह खुदा की मानद बनो। मेरे अजीज़ों, खुदा का कलाम हमें यूँ फरमाता है, ये हुक्म देता है। खुदा का कलाम हमसे ये कहता है कि खुदा की मानद बनो। लेकिन आज हम देखेंगे कि पहले देखेंगे कि हमारा खुदा कैसा है, जैसा हमने बनना है वो खुदा कैसा है। खुदा देखेंगे कि खुदा कैसा है और फिर हमने भी वैसा बनना है खुदा की मानद। लेकिन समटाइम हम सोचते हैं कि हम तो कमज़ोर हैं, हम इंसान हैं, गलतियां कताएँ करते रहते हैं, हम खुदा की मानद कैसे बनेंगे। लेकिन कलाम हमें कहता है कि हमने किसकी मानद बनना है, खुदा की मानद बनना है। और इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा खुदा कैसा है। और यूहन्ना की अंजील में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा मोहब्बत करने वाला है और हमने भी एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला होना है। और खुदा ने हमें पाकरू दिया है ताकि पाकरू हमारा मददगार हो खुदा की राहों में चलने में, और हम बेहतर तौर पर खुदा की राहों में चल सकें। आइए कलाम अक़दस में से देखेंगे इफिसियों 5 बाब उसकी 2 आयत में यूँ लिखा है, और मोहब्बत से चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानद खुदा की नज़र करके कुर्बान कर दिया। हमें कैसे चलना है, मोहब्बत में चलना है। और हमें, हमारा खुदा पाक है और हमें भी कहता है कि पाक बनो। और इसके लिए हम देखेंगे हवाला पहला बाब उसकी 16 आयत में यूँ लिखा है, क्योंकि लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। खुदा कहता है मैं पाक हूँ, तुम मेरे बेटे बेटियाँ हो, तुम्हें भी पाक बनना है। और फिर कलाम खुदा में यूँ मरकूम है, खुदा झूठ नहीं बोलता। और हमें भी क्या करना है, खुदा की मानद बनना है, झूठ नहीं बोलना। और फिर हमें कलाम में मिलता है कि खुदा रहीम है, खुदा माफ़ करने वाला है। तो हमें भी क्या होना है, एक दूसरे को माफ़ करना है। अगर कोई हमारा कसूर करता है तो हमने क्या करना है, उसको माफ़ करना है। अगर सब हम इन सब बातों में खुदा की मानद बन जाएंगे तो खुदा जंग में जोरावर है, खुदा सब कुछ करने में कादर खुदा है, तो फतह से बढ़कर गलबा जो है खुदावंद का ही है। तो हम उसकी मानद उसी की राह पर चलते चलते जिस पर वो चलता है उस गलबे को ज़रूर पा लेते हैं जो उसने हमारे लिए हासिल किया। हम उस गलबे को पा लेते हैं और फिर हम फतह से बढ़कर गलबे वाली ज़िंदगी बसर करते हैं और इब्लीस हमारे पाँव के नीचे होता है। तभी तो खुदावंद का कलाम कहता है कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, क्योंकि ये काम किसका है, खुदा का। जब खुदा की खूबियाँ हम में होंगी तो फिर खुदा की ताकत भी हम में होगी। आमीन।